हेलो गुड मॉर्निंग, कैसा आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो भाई साहब, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है भाई छत से। मैं भी छत में आ रखा हूँ और आज मतलब कुछ खास धूप है नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ठंड हो रही है। देख सकते हैं भाई, कोहरा लग रखा है और साथ ही साथ में बादल भी लग रखे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मतलब जो ये इस सीज़न की जो सर्दियाँ थी, इसकी एक बार भी बारिश नहीं हुई है। तो एक बार बारिश हो जाएगी तब थोड़ा बैलेंस हो जाता है, जो भी ये आजकल जो धुंध वगैरह लगी है सब हट जाएगी, थोड़ा ठंड बढ़ भी जाएगी और कम भी हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि दिन में थोड़ा गर्म माहौल हो जाएगा, धूप तेज़ हो जाएगी। बारिश के बहुत से फ़ायदे हैं, बारिश होना बहुत ज़रूरी है और बारिश अभी तक हुई भी नहीं है, जिस वजह से शायद ऊपर साइड कुछ बर्फ़, खैर ऊपर साइड तो बारिश होती रहती है, इस साइड नहीं होती है बारिश। तो आज आसार तो थे बारिश आने के, पर अभी तक भाई कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है मौसम की बारिश होगी कि नहीं होगी है। और बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज सोचा कि ब्लॉग बना लेते हैं। हिमांशु गया स्कूल क्योंकि उसका आज प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, शायद से उसका हिंदी का है। उसके काफ़ी हो चुके हैं, मतलब काफ़ी पेपर हो चुके हैं, मेरे भी हो चुके हैं। मेरे ये प्री बोर्ड 2 है, प्री बोर्ड 1 हमारे हो गए थे दिसंबर में, ये जनवरी है तो जनवरी में है, क्योंकि अब हमारे बोर्ड प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो शायद उस टाइम पे ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि शायद उस टाइम फ़ोन अलाउ नहीं होता ना, रेगुलर स्कूल चलता है। ब्लॉग मैं तब बना पाता हूँ, जैसे मैं परेड की प्रैक्टिस के लिए गया था तो स्कूल बंद थे, तो उसमें मैंने ब्लॉग बना लिया था, क्योंकि स्कूल तो बंद है तो उस टाइम पे कोई कुछ बोलता नहीं है। पर जब रेगुलर स्कूल चलते हैं, रेगुलर बेसिस पे फ़ोन अलाउ नहीं होता हमें स्कूल में, मैं जो भी वीडियोज़ स्कूल की बनाता हूँ उस टाइम पर या तो स्कूल बंद रहता है या तो परमिशन मिल जाती है फ़ोन लाने की, ऐसे मैं फ़ोन लेके नहीं जा सकता। बाकी जो ले जाने वाले होते हैं वो तो ले ही जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई आप, बहनी मेरी जगह पे बैठ चुकी है। अभी मैं यहाँ पे फिज़िक्स का एग्ज़ाम है परसों, तो फिज़िक्स की कॉपी लेके आया था और वहाँ पे मेरा फ़ोन रखा है, मेरा फ़ोन मत दबा देना बहनी। और यहाँ पे भाई जो भी लेटा है, अभी जो मैं जब भी कैमरा खोलता हूँ जो गुस्सा हो जाता है, जो अभी ये मुझे देख रहा है, हल्की हल्की धूप की किरणें आ रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक टाइम लैप्स लगा लेता हूँ प्यारा सा, थोड़ा पढ़ लेते हैं। बैनी बैनी, क्या आप मुझे पढ़ने देंगी, क्या आप मुझे पढ़ने देंगी, हैं पढ़ने देगी मुझे? अब इसको तो खाली बस खेलने का मूड है। चल सरक यहाँ से, सरक जा, अपने बिस्तर में जा, अपने बिस्तर में जा। ये डरती है, क्यों डरती है तू। और वहाँ पे भाई उसको तो कोई मतलब नहीं है, बस मार के सो रखा है। मैं सोच रहा हूँ जब तक पढ़ाई होती है तब तक एक टाइम लैप्स लगा लेते हैं प्यारा सा। अभी देख सकते हैं भाई, अभी तो टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 11:33 हो चुके हैं। और अभी धूप भाई ऐसा लग रहा है कि भाई सुबह सुबह अभी मैं कोहरे में आया, यहाँ पे आया हूँ। गांव में तो जल्दी धूप आ जाती है क्योंकि वहाँ पे कोहरा नहीं लगा रहता है ना, तो जल्दी धूप आ जाती है। और यहाँ पे भाई ये मुझे परेशान कर रही है, जाओ उधर, देख जैसे मैंने बोला मुझे परेशान कर रही है, चुप हो गई ना दिखा। ये देख सकते हैं आप, ये इसके छोटे छोटे जबड़े, जा शाबाश जाओ, पढ़ने दो मुझे, जाओ मुझे पढ़ने दो। तो अभी मैं यहाँ पे भाई आपको एक चीज़ और दिखा रहा था, जो हमारा परसों शायद हमारा 4 को फेयरवेल है, तो हमारा जो पिछले साल वाला फेयरवेल वाला वीडियो था भाई, वो लगभग 2 के पहुँच चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं हिमांशु दिव्यांशु ब्लॉग्स, यस ये हिमांशु दिव्यांशु ब्लॉग, अगर आपको दिख रहा होगा। वैसे अभी कुछ खास धूप नहीं लगी है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा चैनल खुल गया। अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्यारा सा सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, ये भाई चिड़िया को देख के डर रही है, वाह। तो ये यहाँ पे वीडियोस में जाके, पॉपुलर में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, सबसे ऊपर फेयरवेल वाला वीडियो आ रहा है, ये 2.1 के जा चुका है। उसको भी और भी आगे बढ़ाना है, मैं उम्मीद करता हूँ भाई जो हमारा इस बार वाला फेयरवेल वाला वीडियो है वो 2K की जगह 200K के चले जाए। और उसके बाद बेयर ग्रिल्स वाला वीडियो है, उसके बाद ये करण कुरन और हमारा गाना वगैरह, ये हमारा भाई चैनल है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। बैनी तूने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है क्या? आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है? इधर तो देखो, क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है? देख क्या रही भाई नीचे, क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है? बैनी अगर तूने बोल दिया ना मैं फेमस हो जाऊँगा, तू माइक को क्यों सूंघ रही है? अगर तूने कुछ बोल दिया तो फेमस हो जाऊंगा, वायरल हो जाएगी ये वीडियो, बोल दे यार। ये ऐसे शर्मा क्यों रही है यार, कैमरा देख के शर्मा क्यों रही है? अरे बैनी इधर तो देख, मुझे कंटेंट निकलवाना है अपना, कुछ बोल दे यार, कुछ बोल दे। छोड़िए डर रही है यार, कोई बात नहीं, चिल बैनी चिल। हेलो, यहाँ पे भैया आपको एक चीज़ और बतानी थी, जो हमारा यहाँ बैकुंड में परेड कॉम्पिटिशन हुआ था उसका व्लॉग शायद मैंने पता नहीं डाला उसका व्लॉग मैंने डाला इसलिए नहीं भाई, मेरे पे पूरा प्रॉपर वीडियो बना था।
हमको पूरी उम्मीद थी भाई कि हम परेड में जीतेंगे, पर हम हमारी कोई भी पोजीशन नहीं आई है। और ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर हमारे स्कूल मतलब पोजीशन आ ही जाती है, क्योंकि भाई अगर वैसे इतना तो हमारे स्कूल का नाम ही है यार जो पोजीशन आ ही जाती है। तो इस बार हमें मतलब बहुत बुरा लगा, हमारा बैकग्राउंड में नाम नहीं आया स्कूल का, मतलब कोई पोजीशन तक नहीं आई हमारे स्कूल की। तो हमको वहाँ पर कुछ मतलब गड़बड़ तो लगी थी रिजल्ट में, हेरा फेरी हुई थी, तो हमने उसमें कोई मतलब मैंने खास ध्यान नहीं दिया और गुस्से में आगे मैंने ना ही वो वीडियो डाला ना ही कुछ। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा अपने डिस्ट्रिक्ट में यानी कि अपना डिस्ट्रिक्ट जो हमारे स्कूल का डिस्ट्रिक्ट है यानी टिहरी गढ़वाल में दो मेले हुए थे तो दोनों में हमारा परेड गया था। पर अब दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने वहाँ पे व्लॉग बनाया नहीं, मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो सारे उसके जिम्मेदार बैकुंठ चौदसी वाला जो परेड कॉम्पिटिशन था वो उसका जिम्मेदार वही था। तो मैंने क्या बोलते कि व्लॉग बनाया नहीं, तो हमारा पहला कॉम्पिटिशन मलेथा में था, तो मलेथा में हम फर्स्ट पोजीशन आए थे, सीनियर परेड में हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी, जहाँ पे कि कम से कम 9 से 10 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे भी हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी। उसकी फ़ोटो भी मैं इसके बाद इस क्लिप के बाद चला दूँगा जो हमको ट्रॉफी मिली थी। फिर उसके बाद परसों यानी कि कितना तारीख वो परेड कॉम्पिटिशन था 4 तारीख को और ये वाला परेड हुआ था 11 तारीख को, तो इस 11 वाली परेड में भी हम सीनियर में फर्स्ट आए हैं। और ताज्जुब की बात यह है जो स्कूल मतलब यहाँ विनर रहे थे श्रीनगर गढ़वाल में, वो उनमें से 2 से 3 स्कूल वहाँ भी आए थे, तो नहीं सॉरी 2 स्कूल आए थे वहाँ, तो वो नहीं जीत पाए, मतलब वहाँ भी हम फर्स्ट आए हैं। तो उससे हमारा कंफर्म हो गया भाई रिजल्ट में हेरा फेरी हुई है, तो कोई बात नहीं, उस बात पे बात नहीं करेंगे, जो हो गया वो हो गया। तो वहाँ भी हम फर्स्ट आए, तो मतलब बहुत खुशी हुई हमें। और मैं दोनों जगह व्लॉग नहीं बना पाया कि उसकी अभी यहाँ पे भाई ये जितनी भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है हमारे इंटरनल माइक से हो रही है, एक्सटर्नल माइक की ऑक्स ख़राब है और हम सोच रहे हैं कि हमारा माइक काम कर रहा है, तभी मैं बोलूँ कि माइक से इतनी हल्की आवाज़ तो आ ही नहीं सकती। तो अब मुझे लग रहा है कि अब ये ऑक्स का कोई झंझट, एक तो ये माइक में अगर तार हो ना तो सही रहता है, ये वायरलेस माइक में ऑक्स का झंझट बहुत बेकार होता है। अब मार्केट के जाके भाई इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, शायद हो सकता है कि ऑक्स चेंज करनी हो, पता नहीं क्या, अब इसमें ऊपर से ऑक्स का खर्चा ऐड हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो अब इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर माइक हमने मेन माइक की वजह से लिया था और थोड़ा स्टेबिलिटी की वजह से लिया था, लाइट भी है इसमें, पर हम लाइट का यूज़ करते नहीं क्योंकि दिन में ब्लॉग बनते हैं, रात को तो कोई ब्लॉग मैं कभी ब्लॉग बनाता हूँ नहीं, कभी कभी बाई चांस तो वो तो अब तो वाइड एंगल में हमारी फ्लैश ऑन हो जाती है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं फ्लैश की। तो अब भाई मार्केट जाके फटफट से ये दिक्कत सही करते हैं, अभी हिमांशु स्कूल गया तो वो आ जाएगा फ्री हुई, फिर उसके बाद ही होगा ये सब काम। यहाँ पे भाई दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अभी तक जितना पढ़ लिया मतलब, और अभी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे भाई इनके साथ भी खेला और यहाँ पे भाई वाइड एंगल में तो भाई ये मेरा हाथ तक आ रहा है भाई, इतना वाइड है। तो क्या बोलते हैं, अभी यहाँ पे भाई नानी भी आ गई थी थोड़ी देर पहले थर्ड में, तो नानी भी अभी यहाँ पे मस्त मजे से घूम रही, क्योंकि नीचे भी भाई बैठ के करना गया है। तो अभी हम मतलब धूप में, अभी अचानक से बहुत तेज़ धूप लग गई थी और अभी अचानक से धूप चली गई है और भाई नानी भी यहाँ पे धूप सेक रही है। नानी को आपने पुरानी वीडियो में मैंने नानी को दिखाया होगा, पर है ना नानी दिखा। अच्छा नानी अभी काम सुन रही है, मुझे लगा नानी ने सुना नहीं मैंने क्या बोला। तो अभी नानी मस्त मार के घूम रही है क्योंकि नानी थक गई बैठ गई है ना। हाँ थक गई, मैं तो बैठ के घूम रही हूँ। हाँ तो नानी की हिंदी बड़ी ख़तरनाक है भाई, नानी को नानी कौन से साइड की हिंदी बोलती है। तो नीचे मतलब अभी हम आज धूप नहीं आ रही थी, नानी शायद नीचे बोल रही थी कि मैं नीचे रहती हूँ, पर फिर उसके बाद नानी ने बोला ऊपर ही चल लेते हैं क्योंकि नीचे भी बैठ के करना क्या है। तो अभी मस्त मार के छत में घूम रहे हैं, मतलब ये थोड़ा ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा ना ज़्यादा धूप तेज़ हो रही है और हल्की हल्की धूप आ रही है जा रही है, तो थोड़ा मतलब बैलेंस हो गया सब। नीचे भी क्या करना है, नीचे ठंड हो रही है और अभी तक हिमांशु स्कूल से आया नहीं है, तो मैं माइक भी कहाँ से ठीक कर रहा हूँ। और यहाँ देख सकते हैं भाई सभी लोग छत में बैठे हैं, इसमें तो क्या ही दिख रहे होंगे पर मुझे दिख रहा है अपनी आँखों से, सब लोग छत में बैठे हैं और वहाँ पर छत में देखो क्या प्यारा है कबूतर। मैं सोच रहा था यहाँ से हवाई फायर करना था, एक शॉट लेना था कबूतरों के उड़ने का, कबूतरों पे नहीं हवा में, और तब वो एकदम से सारे कबूतर उड़ जाते। वाह यहाँ पे भाई ये है अगला दिन और अभी हम आ गए हैं छत में। अभी कम से कम टाइम हो चुका है यहाँ पे 10:30 टाइम हो चुका है और श्रीनगर में अभी तक धूप नहीं आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10:30 टाइम हो चुका है, 10:32 हो रहा है और अभी तक यहाँ पे धूप नहीं आई है। थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की धूप आई है और मैं यहाँ पे कपड़े लेके छत में आया हूँ, ये देख सकते हैं आप इस बाल्टी में रखें, और वो कहीं वहाँ धूप आ रही है और सामने थोड़ा बहुत धूप लगने लगी है, थोड़ा थोड़ा और भाई ठंड से बुरे हाल हो चुके हैं। मैं सोच रहा भाई कि कल बारिश आ जाएगी और आज देखो तो मतलब आसमान साफ़ हो चुका है लगभग, मैंने कल ही शाम को देख लिया था कि आसमान भाई साफ़ हो रहा है, तो धूप भी आने लगी है और अभी थोड़ी देर में धूप भी आ जाएगी। और कल मेरा फिज़िक्स का पेपर है तो मैं मतलब इसीलिए थोड़ा लेट में आया छत में, और
मौसम देख सकते हैं भाई, क्या प्यारा मौसम हो रहा है। वैसे धुंध लगी है और प्यारी प्यारी सी धूप खिली है, और देख सकते हम यहाँ पे भी धूप आने लग गई है। और कपड़े डालते हैं फटाफट और निकलते हैं नीचे, और आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये कोई प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाया हमने, ये एक इन्फॉर्मेटिव टाइप वीडियो था कि हमारा क्या इस बीच क्या शेड्यूल रहा हमारा, इतना जो हमारी परेड वगैरह थी सब उसके लिए हमने ये ब्लॉग बनाया था। तो अगर अब तो कौन सा वीडियो आएगा, फेयरवेल या इसकी ड्रेसिंग पार्टी जाएगा तो वो बनाएगा, मेरा फेयरवेल है मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा जो भी है। और बीच में अगर कोई प्रैक्टिकल वगैरह में कहीं पे भी हमको टाइम मिलेगा एक काम करूंगा, या तो अगर मतलब डेली बेसिस स्कूल ना चल रहा हो ऐसे प्रैक्टिकल होंगे वैसे कोशिश करूंगा ब्लॉग बनाने की, देखते हैं जो भी होगा। बाकी तो अब तो सीधा फेयरवेल वाला ही ब्लॉग आएगा, बीच में अगर कुछ होगा बना देंगे वीडियो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।